हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो कैसे करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको हाइड करने होते हैं, सबसे छुपा के रखने हैं, किसी को शो नहीं करने हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर कोई गेम होते हैं जैसे उन्हें हाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर प्राइवेसी, प्राइवेसी पे जाएंगे आप। प्राइवेसी पे जाने के बाद फिर से आपको परमिशन एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे जाएंगे आप। इस पे जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है हाइड ऐप, हाइड ऐप्स पे जाएंगे। हाइड ऐप्स पे जाने के बाद आपसे मांगेगा एंटर प्राइवेसी पासवर्ड, या प्राइवेसी पासवर्ड आप वो वाला एंटर करेंगे जो आपने ऐप लॉक पर सेट किया होगा। तो सिंपली हम इसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको ऑप्शन दो मिल जाता है, जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करने हैं सिंपली आप उन्हें यहाँ से हाइड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अब हम अमेजोन को हाइड करेंगे, हाइड करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेट एक्सेस कोड। एक्सेस कोड वो होता है जिससे आप अपने एप्लीकेशन जो आप हाइड करेंगे उन्हें आप बाद में फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं, सेटिंग में जाएंगे। पहले सेटिंग में जाने के बाद एक्सेस कोड सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है जो कि 4 अंकों का होगा, आपका हैज से शुरू होगा और हैज से एंड होगा। कोई भी हम सेट कर लेंगे हैज, यहाँ से हम सेट कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर। ओके 1 2 3 4 और हैज, ये आपका एक्सेस कोड हो जाता है। योर एक्सेस कोड इज हेयर, इसे आपको डन कर देना है। 4 अंकों का होगा, हैज से शुरू होगा और हैज से एंड हो जाएगा। इसके बाद आप इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद अब आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर हाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को हाइड कर देते हैं और एप्लीकेशन ले सकते हैं, फेसबुक वगैरह हमने हाइड कर दिए हैं। अच्छी 4-5 एप्लीकेशन है जो कि हमने अपने हाइड कर दिए। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब आपको जो एप्लीकेशन आपने हाइड कर दिए हैं वो आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं इसमें जो एप्लीकेशन आपने हाइड की थी वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इन फ्यूचर का भी आपको जरूरत पड़ती है, जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए आपको उन्हें यूज करना हो या एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर में जाएंगे आप। डायलर में जाने के बाद यहाँ आपको वो अपने जो कोड सेट किया था 4 अंकों का वो आपको यहाँ इंटर कर देना है। हैज से शुरू करा जो अपने वो आपको यहाँ इंटर कर देना है। चलिए हम यहाँ से अपना कोड इंटर कर देते हैं, आपको बता देते हैं अपना कोड इंटर करके हम जो आपने सेट किया था हमने, जो कि हमारा हैज से शुरू होता है और 4 अंकों का था, हम डाल देते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो जैसे आप अपना एक्सेस कोड डालेंगे हैज और आपके फ़ोन के अंदर आपके हिडन एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एक्सेस कोड डालते ही आपके हिडन एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं और आपने यहाँ से यूज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, जो भी आपको यूज करना हो उन्हें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं सेम मेथड से जाके। इस प्रकार से अपने ऐप्स हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।